नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ हेडलाइंस के साथ। एफपीओ को कम ब्याज दर पर मिलेगा ऋण। राइस शूट से होगी सिंचाई, बहुत कम खर्चे में मिलेगी सुविधा। ब्याज सब्सिडी योजना की अवधि 3 माह तक बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा कृषि लागत प्रबंधन पर वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार की योजना और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, देश में 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से किसान ब्याज में छूट के साथ 2 करोड़ रुपए तक ऋण ले सकते हैं। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के दौरान भी एफपीओ पर रिकॉर्ड खरीद की गई। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। केंद्र मंत्री ने कहा, सरकार किसानों को ब्याज से लेकर तकनीक तक उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के लगभग 6,000 एकड़ क्षेत्र में राइस शूट से सिंचाई की जाएगी। इससे धान उत्पादक किसानों को सबसे अधिक फायदा होगा। इस रकबे में धान की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में भूमिगत जल उपयोग में नहीं लिया जा सकता। इससे किसानों को सिंचाई में काफी परेशानी होती है। राइस शूट से सिंचाई करने के लिए किसानों को 300 रुपए प्रति एकड़ खर्च करने होंगे। किसान 16 जुलाई तक राइस शूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 जुलाई से 30 सितंबर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसान अपने क्षेत्र में कृषि या सिंचाई विभाग के कार्यालय से संपर्क कर इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ब्याज अनुदान योजना की अवधि 3 माह तक बढ़ा दी है। अब किसान 30 जून तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें, सरकार ने दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर मिलने वाले अनुदान की तिथि बढ़ा दी है। पहले ये 31 मार्च तक निर्धारित थी, लेकिन अब कोरोना की स्थिति को देखते हुए इसे 3 माह तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। योजना के तहत ऋण के ब्याज पर 5% सब्सिडी भी मिलेगी। किसान भाई, कृषि भाई के समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।